दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग के बारे में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लव रीडिंग के बारे में। आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है? अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अथवा आपके पार्टनर आपको छोड़ने की बातें करने लगे हैं या छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या कहती हैं? आपको इस रीडिंग में जानने को मिलेगा कि आगे आपके पार्टनर आपके साथ में फिर से रिश्ता बनाएंगे या नहीं, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, वर्तमान में उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, और अगर आएंगे वापस तो कब तक आ सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस रीडिंग में मिलते हैं। और इस रीडिंग का तात्पर्य बहुत ही सिंपल और सरल है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो क्या वो किसी और व्यक्ति से मिल चुके हैं, क्या कहीं दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हैं, क्या आपको चीट कर रहे हैं। तो ये जो सवालों के जवाब आपको जब मिल जाते हैं तो उससे आप क्लियर हो जाते हैं, आप उससे अपनी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी भ्रांतियों को दूर कर पाते हैं और अपनी लाइफ में एक निर्णय ले पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। तो क्लियरिटी मेनली तो ये क्लियरिटी देता है ये रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस रीडिंग में आप अपने पार्टनर की राशि के अनुसार इस रीडिंग को देखा करें। आपके पार्टनर की मून साइन अगर आपको पता है तो उसके अनुसार, नहीं तो नाम की राशि के अनुसार देखें। तो इसमें जो भी मैं राशियों के बारी बारी से मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के बारे में बताऊंगा, तो राशियों के बारे में जानना होगा आपको, तो आप अपने पार्टनर की राशि चुनिएगा कि अगर आपका पार्टनर मेष राशि का तो आपकी ये रीडिंग है। ऐसे ही बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा और टाइम स्टैम्प वगैरह आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी राशि पर, अपने पार्टनर की राशि पर मतलब पहुंच जाएंगे। अब यहां पर दूसरी स्थिति यह है कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस, और यहां पर आपकी ये रीडिंग कभी भी, आप जब भी इस रीडिंग को सामने पाते हैं तो आप वहां पर ये रीडिंग देख सकते हैं और आपके साथ में मैच हो जाएगी। यानी कि आप जब भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें देख सकते हैं और आपके साथ काफी सटीक होगी। जब भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप इस रीडिंग को देखिएगा, और आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल देखिएगा, और अगर सामने आई है और तब आपने क्लिक किया है तो आप निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। रीडिंग को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व एक जानकारी आपको और दे दें, नवरात्रि पाठ की बुकिंग अभी हमारे यहाँ पर चल रही है, जो कि 4 वर्षों से लगातार ये नवरात्रि का आयोजन हो रहा है, नवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन होता है और इसमें बहुत ही अच्छे सफल अनुष्ठान रहते हैं हमारे। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या के निराकरण के लिए आप दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान की बुकिंग करवा सकते हैं, यथाशक्ति आपका जैसा सामर्थ्य है। जो 25,000 वाला अनुष्ठान है उसमें आपका सेपरेट होता है, बाकी 15,000 वाला है उसमें आपके पाठ और पूजन इत्यादि होता है, और जो 9,000 वाला है उसमें केवल पाठ पाठ होता है, और जो 1100 रुपये वाला है उसमें एक दिन का एक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो ये आप अगर करवाना चाहते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप करवा सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर ऐसा नहीं है कि आपको करवाना ही है, आपकी इच्छा है और आपकी श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है, क्योंकि ऑनलाइन में विश्वास काम ज़्यादा करता है, अगर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप ना तो 1100 रुपए वाला पाठ करवाइए ना कोई भी पाठ कराइए, क्योंकि विश्वास बहुत मायने रखता है। वैसे हम वीडियोस फोटोज वगैरह एक दिन भेजते हैं पहले दिन, लेकिन फिर भी विश्वास बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने 1100 रुपए वाले पाठ की बुकिंग करवाई है और उनके अंदर पेशेंस नहीं है, जबकि हमने उनसे बोला कि 9 दिन नवरात्रि के होते हैं, तो आपको कभी भी जिस दिन भी किया जाएगा, जैसे ही आपने पहले बुकिंग कर लिया तो आपका पहले हो जाएगा, और जब लास्ट में एंड टाइम पे बुकिंग की है तो आपका लेट होगा। और ऐसे में हमने कई बार जब किसी को विश्वास नहीं हुआ, बहुत उतावलापन दिखा, तो रिफंड भी कर दिया। इसलिए मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप तब कराइए जब आपको विश्वास हो। तो वैसे 4 वर्षों से लगातार होता आया है अनुष्ठान और काफ़ी सफल रहा है। तो आप अगर चाहें तो अपनी समस्या को लेकर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या, पेमेंट और नाम गोत्र जो है और मनोकामना वो आप भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी बुकिंग हो जाए, क्योंकि ये बुकिंग जो 25,000 और 15,000 वाली बुकिंग है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, बाकी 9,000 और 1100 रुपये वाली है वो आप आगे भी करवा सकते हैं।
चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और वैसे टाइम वेस्ट की कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग के नीचे टाइम वगैरह दिया हुआ है तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली राशि मेष राशि। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है तो वर्तमान में वो आपके बात था मतलब तो वर्तमान में वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो क्या सोचता है। वैसे मेष राशि का पार्टनर की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि वो आपके अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढ चुका है, वो आपके अंदर बहुत सारी उसे वीकनेस आपको देख करके लगती है, बहुत सारी चीज़ों में आपकी कमियां लगती हैं, वो आपको बदलना चाहता है, आपकी कुछ आदतें उसे ख़राब लगती हैं। इसलिए आपको निश्चित रूप से अगर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके वापस जरूर आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन एक दो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। दो प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ये कि अगर आपके पार्टनर बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन बन गई है, क्योंकि पार्टनर आपके लॉयल रह नहीं पाते कभी, तो जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन बनी है वो तो है ही है। और अगर पार्टनर आपके अभी आपको दो चार घंटे दस घंटे या एक दो दिन में ब्लॉक कर रखे हैं तो निश्चित रूप से ये एक तरह से रीडिंग ये कहती है कि आपके पार्टनर आपको बदलना चाहते हैं, आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बदलना चाहते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा शिकायतें जो हैं, आपके पार्टनर को टॉर्चर करना है, वो भी आपके पार्टनर को बड़ा दुखी करता है, इसलिए ये आदतें, ये कमियाँ और ये जिद्दीपन का स्वभाव आपको बदलने के लिए कहेंगे। बाकी वापस जरूर आएंगे, ये अधिकतर संभावना अगर कम दिन हुए हैं ब्लॉक करें, अगर दो चार महीने दो चार साल हो गए तो चांसेस फिर भी हैं वापस आने के, लेकिन आपके साथ लॉयल नहीं है वो, ये रीडिंग कहती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके पास वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि उसे कोई और मिल चुका है। यहाँ पर निश्चित रूप से आपके पार्टनर आपको बहुत दिनों से बातचीत करे जा रहे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपसे बातचीत कर रहे थे लेकिन वो कहीं और अटैच होना शुरू हो चुके थे बहुत समय पहले ही, तो अब वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो बहुत नॉर्मल बात करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत में आप उनके दिल से उतर चुके हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के अगर आपके पार्टनर थे तो आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा घमंड है और बहुत ज़्यादा अकड़ हो गई है हर चीज़ को लेकर के। आपको वो अपने आगे अपने साथ कहीं नहीं देखते हैं, ना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ में, और जो भी टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ में वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास आपको भी है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी है कि आप उस चीज़ को पहचानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर मैं कहूँ तो पार्टनर का वापस आना आपके लिए बिल्कुल भी सही भी नहीं है और बहुत ही संभव भी नहीं है। अगर वापस आ भी जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके साथ में आप फिर से बुद्धू बन गए, फिर से बेवकूफ़ बन गए। अगर वो वापस आ जाते हैं और आप वापस उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो आप फिर से एक बहुत बड़ी गलती जो आपने पहले की है वही गलती दोहरा रहे हैं, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, कर्क राशि के अगर आपके पार्टनर थे तो वो किस प्रकार से आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है, लेकिन अगर आपने उनके साथ गलत किया है तो निश्चित रूप से वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपके बारे में फिर भी कोई बुरा या बुरी फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे वो हेट करते हैं, बहुत ही प्योर आपके प्रति प्यार था, उनका समर्पण भाव था और वो आपको लेकर के बस इतना ही समझते हैं कि एक अच्छी शिक्षा मिली, एक बहुत अच्छी सीख मिली, तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर के कोई भी धारणा है कुछ भी मन में नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से वापस जाते हैं, उनके पास वापस जाना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के अगर आपके पार्टनर थे तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पागल हैं, आपके प्यार में बहुत पागल हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फैमिली को लेकर के बहुत मानते हैं, तो फैमिली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रही है, इस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, तो निश्चित रूप से वो वापस तो
नहीं आएंगे, अगर वापस आ भी जाते हैं तो आपको शादी या कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं दिखेगी। इसलिए वो ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति है मतलब आप जो हैं वो बगैर शादी के तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इतना भी प्यार नहीं करता है, ये जानते हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं अब ठीक है यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे और ज़्यादा फंसने की संभावना लगती है उन्हें, उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं कि फंस जाएंगे अगर इसके चक्कर में और फंसे तो स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का, अगर पार्टनर आपका था या है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उसकी फीलिंग क्या है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो आपसे बात करना चाहता है और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करता है कि आप कहीं और ना चले जाएं, आप उसने आपको ब्लॉक भी किया है तब भी वो डरता है इस चीज़ से, और आप बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काल्पनिक बातों में या कल्पनाशील हैं और आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, इस वजह से आप उन्हें हैंडल कर लेते हैं और वो आपको छोड़ करके नहीं जा पा रहे हैं। वो आपसे पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग जो है बार बार बदलते रहते हैं, कंफ्यूज बहुत है, ऐसी सिचुएशन उनके साथ हो रही है। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला राशि का अगर पार्टनर था तो आपके पास वापस आएगा और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है लेकिन बहुत बुरी तरह डरा हुआ है, कई चीज़ों को लेकर के डर है उनके मन में और कोई उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, चाहे उनकी फैमिली हो सकती है, जिस वजह से वो आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो वो आपके पास वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी कहीं या तो शादी फिक्स होने वाली है या कहीं उनकी लाइफ अलग सेटल होने वाली है और वो आपका पीछा छोड़ चुके हैं। आप अगर पीछा छुड़ाना चाह रहे थे तो वो भी ये सोच कहीं ना कहीं उनके मन में ये चलता है कि तो पीछा छुड़ाना ही चाह रहा था, तो अच्छी बात है अगर पार्टनर आप मतलब आपके मन में ऐसा था कि पीछा छुड़ाना चाह रहा था तो वो चला गया, लेकिन आपको ही बुरा लग रहा है क्योंकि वो जब गया तो इसमें आपको ये एहसास करा गया कि आप गलत हैं, आपने गलती की है इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, वो गलती आपकी नहीं है बल्कि उसे भी कहीं ना कहीं जाना था, बस उसे भी मौका चाहिए था तो वो चला गया, लेकिन आप भी पहले तो ऐसा उसके माइंड में ही डाल चुके थे कि वो आप उसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं इसलिए वो उसने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं वापस नहीं आएगा, उसके कहीं ना कहीं आगे लाइफ सेटल होने वाली है, आगे अलग स्थिति में वो चली गई हैं, चले गए हैं स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि, धनु राशि के अगर आपके पार्टनर थे या तो वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भले ही गए हैं लेकिन वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी केयर भी बहुत करते हैं, वो आपके पास वापस जरूर आएंगे लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं इसलिए वो वापस नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ पा रहे हैं, ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मकर राशि, अगर मकर राशि के आपके पार्टनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लेकिन आपकी कुछ आदतें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं इसलिए आपसे ब्लॉक कर रखे हैं आपको या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरह बिल्कुल हो जाएं, जैसे वो आपको बदलना चाहते हैं, जो कुछ करने के लिए कहते हैं वो करें, हर बात मानें और वैसा आप हो नहीं सकते इसलिए प्रॉब्लम है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आएंगे वो हार मान जाएंगे, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, आप नहीं झुके तो वो जरूर झुकेंगे क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो चिंता मत कीजिए वापस खुद ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि, अगर कुंभ राशि के पार्टनर आपके थे तो वो आपके पास बिल्कुल वापस नहीं आना चाहते हैं, वो आपके बारे में गलत फहमी बहुत सारी बन गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी जिद बन गई है अब आपसे दूर जाना, तो आपको कुछ चीज़ों में लग रहा होगा कि मजाक है, वो वापस आ जाएंगे लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि वो वापस नहीं आएंगे, उन्होंने प्लान बनाया बखूबी आपकी लाइफ से निकलने का, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, मीन राशि का अगर पार्टनर आपका था तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचता है और आपके बारे में बहुत ही उसे गलत फहमियाँ भी हैं, झगड़े भी आपके कर करके गया है, वापस जरूर आएगा लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो आपके साथ में शादी नहीं करेगा, फ्यूचर नहीं देखेगा, आपके साथ में वापस आ रहा है फिर से चीज़ें ठीक करेगा लेकिन आपको झूठ बहुत बोलेगा इस बार जो वापस आएगा, क्योंकि आप दोनों का फिर से रिश्ता अच्छे से अच्छा बन पाए इसका
प्रयास वो करेगा इस चीज का। तो दोस्तों यह थी लव रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। अगर आपको यह करंट फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग्स पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।